पहली बार जब हमको स्कूल में पेरियोडिक टेबल पढ़ाई जाती है तो हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि पेरियोडिक टेबल में क्या इतने सारे एलिमेंट्स का होना जरूरी था और किसने इन सब एलिमेंट्स को बनाया। जिस तरह आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क ने नए एलिमेंट को डिस्कवर किया था, क्या वैसा ही कुछ रियलिटी में भी हो सकता है? आखिर नए एलिमेंट कैसे डिस्कवर होते हैं? आप सबके मन में ऐसे ही कई सारे सवाल जरूर आते होंगे, तो चलिए आज हम ऐसे ही सवालों की एक जर्नी पर चलते हैं। एलिमेंट्स बनने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा सन है। दरअसल सन में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है, जिसमें हाइड्रोजन के एटम फ्यूजन करके हीलियम एटम में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि जब दो हाइड्रोजन एटम की टक्कर आपस में होती है तो वह हीलियम में बदल जाते हैं। यह एक सबसे सरल और बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन आज फिजिसिस्ट यह जानते हैं कि जब भी किसी हैवी एलिमेंट को किसी हाई एनर्जी वाले न्यूक्लियस से बम्बार्ड किया जाता है, यानी कि टक्कर कराई जाती है, तो यहाँ पर एक हैवी न्यूक्लियस क्रिएट होता है। अब यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी होती हैं कि जो न्यूक्लियस बना या तो वो स्टेबल हो या फिर अनस्टेबल। तो अगर वह अनस्टेबल हुआ तो वह एनर्जी को रिलीज करेगा और रेडियोएक्टिविटी के फिनोमेना को शो करेगा। लेकिन अगर वह स्टेबल रहा और वह काफ़ी समय तक बिना डिकम्पोज किए सर्वाइव हो पाया तो हम उसको ज़्यादा मात्रा में क्रिएट करते हैं, उसका मैक्रोस्कोपिक सैंपल बनाते हैं और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है। और अगर उसकी प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में मौजूद किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच नहीं होती तो वह एक नया एलिमेंट कहलाता है। वैसे है तो यह काफ़ी हार्ड वर्क, लेकिन इसका रास्ता बिल्कुल क्लियर और साफ है। लेकिन पुराना समय 19वीं शताब्दी, ऐसा कुछ भी नहीं था। पेरियोडिक टेबल अभी अपनी स्टार्टिंग जर्नी, अपने स्टार्टिंग फेज में थी। उसमें अभी काफ़ी गैप्स और होल्स थे, काफ़ी एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर कोई ऐसी थ्योरी नहीं थी जो कि साइंटिस्ट को गाइड करे कि नए एलिमेंट्स को कैसे डिस्कवर करना है, क्योंकि एटम और न्यूक्लियस का नेचर अभी क्लियर भी नहीं था, क्योंकि एटॉमिक एरा तो 20वीं शताब्दी में आना था। केमिस्ट और फिजिसिस्ट को अभी यह भी नहीं पता था कि हाइड्रोजन और जिंक के बीच में टोटल 30 एलिमेंट होते हैं और इन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स भी होते हैं। पर फिर भी बिना थ्योरीज और डायरेक्शन के साइंटिस्ट लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन फिर 19वीं शताब्दी के एंड में एक होप सामने आया जब इनविजिबल रेस का एरा शुरू हुआ। ईयर 1895, विलहेम रॉन्टिजिन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्सबुर्ग जर्मनी में क्रूक्स ट्यूब की प्रॉपर्टीज पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। क्रूक्स ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट काफ़ी हाई वोल्टेज पर पास किया जाता है। जब वो क्रूक्स ट्यूब पर वर्क कर रहे थे तो उन्होंने एक काफ़ी अजीब फिनोमेना होते हुए देखा, लेकिन वह क्रूक्स ट्यूब के पास नहीं बल्कि उससे दूर हो रहा था। रॉन्टिजिन ने रियलाइज किया कि उस क्रूक्स ट्यूब में से इनविजिबल रेज बाहर आ रही हैं, जो कि एयर में ट्रेवल करके रूम में रखे हुए मटेरियल के संग इंटरेक्ट कर रही हैं। और फिर उन्होंने इस मिस्टीरियस रेज को एक्स रेज का नाम दिया। उनकी इस डिस्कवरी को लेकर दुनिया में मौजूद कई सारे लोग काफ़ी फैसिनेट हुए, काफ़ी हैरान हुए, क्योंकि इन रेज के पास ऐसी ताकत थी कि यह ह्यूमन की स्किन से भी पेनिट्रेट कर सकती थी। कई लोग तो यह भी सोचने लगे कि ऐसे ही इन्हीं रेस की तरह इस दुनिया में कोई और रेस भी होती होंगी। लेकिन इसके जस्ट एक साल बाद फ्रेंच फिजिसिस्ट हेनरी बेक्यूरियल के संग हुआ एक छोटा सा इवेंट एक नई क्रांति लाने वाला था। अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हुए बेक्यूरियल एक दिन काम खत्म करने के बाद यूरेनियम के टुकड़े को पेपर में रैप करके अपनी ड्रॉर में रख दिए। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि उस ड्रॉर में एक फोटोग्राफिक प्लेट भी रखी हुई है, और उन्होंने उस यूरेनियम के टुकड़े को पेपर में रैप करके उसके ऊपर ही रख दिया। हालांकि यह बात वह नहीं जानते थे, पर जब उन्होंने कुछ हफ्तों के बाद उस ड्रॉर को खोला और उन्होंने उस यूरेनियम को बाहर निकाला तो उनकी नज़र उस फोटोग्राफिक प्लेट पर गई और उन्होंने देखा कि उस फोटोग्राफिक प्लेट पर एक डार्क स्पॉट पड़ गया है, और यह डार्क स्पॉट बिल्कुल उसी जगह पर है जहाँ पर उन्होंने यूरेनियम के टुकड़े को रखा था। यानी कि किसी तरह यूरेनियम उस फोटोग्राफिक प्लेट पर एक्सपोज हुआ है।
जबकि वह एक पेपर में कवर था, वह एक ओपेक मटेरियल से कवर किया गया था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यहाँ पर कोई इनविजिबल रेज हैं जिसके कारण वहाँ डार्क स्पॉट आया हो? और यहाँ से रेडियो एक्टिविटी का जन्म होना शुरू हो चुका था। इसके बाद फिर ईयर 1897 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस की एक ग्रेजुएट स्टूडेंट मैरी क्यूरी ने डिसाइड किया कि वह इस फिनोमिना पर अपनी डॉक्टरेट करेंगी। और उस समय वो 29 साल की थीं। उसी वर्ष उन्होंने अपनी पहली बच्ची को जन्म दिया और उन्होंने पहली बार रेडिएशन शब्द को कॉइन किया। दरअसल उनका यह सवाल था कि रेडिएशन का नेचर और ओरिजिन क्या है, और यह सब्जेक्ट ऐसा था जिसके ऊपर वह अपनी पूरी लाइफ इन्वेस्टिगेट करने वाली थी। और इस काम में उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी ने भी उनकी काफ़ी मदद की। लेकिन फिर एक एक्सीडेंट के चलते ईयर 1906 में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। रेडिएशन की स्टडी में जो उनका सबसे पहला स्टेप था, एक रेडिएशन के सोर्स को ढूंढना। और वह यह बात जानती थी कि ऐसे मटेरियल जिसके अंदर यूरेनियम और थोरियम के कंपाउंड होते हैं, वह रेडियोएक्टिव होते हैं और रेडियोएक्टिविटी के फिनोमिना को शो करते हैं। लेकिन क्यूरी केवल यही नहीं रुकने वाली थी। सबसे पहले उन्होंने यह नापा कि कोई कंपाउंड कितना रेडियोएक्टिव है, उसको यूनिट में नापा। इसके लिए वह एक काफ़ी सिंपल डिवाइस यूज़ करती थी जिसमें दो मेटल प्लेट कुछ सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सेपरेट थे और इन प्लेट के बीच का मीडियम एयर यानी कि हवा थी। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इन प्लेट का डायामीटर 8 सेंटीमीटर था जो कि 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सेपरेट थे। और इन प्लेट्स में 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड था जो करंट कंडेंसर में से पास होता था उसको इलेक्ट्रोमीटर और पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की मदद से नापा जाता था। तो जब इन प्लेट्स में वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो कोई करंट सो नहीं होता। वह क्यों? क्योंकि एयर इंसुलेटर है और वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। लेकिन अगर किसी तरह एयर को बदल दिया जाए तो करंट फ्लो होगा, वह कंडक्टिविटी को इंडिकेट करेगा। अगर हम उन प्लेट के बीच में मौजूद एयर को हाई एनर्जी वाले पार्टिकल के संग आयोनाइज करें तो वह एयर आयोनाइज होकर करंट कैरी करने लगेगी। और बिल्कुल ऐसा ही क्यूरी ने भी किया। वह किसी एक प्लेट को कुछ मटेरियल के संग कवर करती थी तो अगर करंट ट्रांसफ़र नहीं होता तो इसका मतलब वह मटेरियल इनर्ट है। लेकिन अगर करंट सो होता था तो इसका मतलब वह मटेरियल रेडियोएक्टिव है, क्योंकि रेडियोएक्टिव मटेरियल कुछ अमाउंट में वहाँ की एयर को आयोनाइज कर देते हैं जिससे स्मॉल अमाउंट में करंट सो होता है, जिसको वो नोट कर लेती थी। और वह करंट इस चीज़ पर डिपेंड करता था कि कितने अमाउंट में मटेरियल लिया गया है। पर यह जो सेटअप था वह काफ़ी कम करंट सो करता था। यूरेनियम का प्योर सैंपल 24 पीको एम्स का करंट दिखाता है, यानी कि लगभग 24×10^-12 एम्पियर्स। और जब उन्होंने बाकी के रेडियोएक्टिव मटेरियल के संग करंट कैलकुलेट किया तो रिजल्ट हैरान करने वाले थे। उन्होंने यह देखा कि प्योर यूरियम और थोरियम इतना करंट सो नहीं करते जितना पिच ब्लेंड और चैकोलाइट प्रोड्यूस करते हैं। पिच ब्लेंड और चैकोलाइट यूरेनियम और थोरियम के ओर हैं और इनमें से ही यूरेनियम और थोरियम को निकाला जाता है। चैकोलाइट कॉपर और यूरेनियम फॉस्फेट का मिक्सर होता है। जब क्यूरी ने आर्टिफिशियल चैकोलाइट प्योर कॉपर और एल्यूमिनियम के संग कुछ और मटेरियल को मिलाकर बनाया तो उन्होंने पाया कि इस कंपाउंड की रेडियो एक्टिविटी बाकी के नेचुरल यूरेनियम कंपाउंड से कम थी। तो अब उनके सामने यह सवाल आया कि क्यों रॉ मटेरियल यानी कि ओर्स प्योर यूरेनियम और थोरियम से ज़्यादा रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। तो अब उन्होंने सोचा कि जरूर रॉ ओर में यूरेनियम से भी ज़्यादा कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा जिसको हम केमिकल प्रोसेस से बाहर निकाल सकते हैं। क्यूरी ने इस ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल को फाइंड करने के लिए अपने केमिकल एक्सपेरिमेंट चालू कर दिए। और फिर ईयर 1898 में उन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ पर यूरेनियम में दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस छुपे हुए हैं। उन्होंने कहा यूरेनियम के पिच ब्लेंड ओर में दो सब्सटेंस पाए गए। पहला सब्सटेंस जिसकी एनालिटिकल प्रॉपर्टीज बिस्मथ से मेल खाती हैं, उन्होंने इस एलिमेंट को पोलोनियम का नाम दिया।
लेकिन यहाँ पर दूसरा सब्सटेंस काफी ज्यादा रेडियोएक्टिव था और उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से बिल्कुल अलग थीं। इसकी प्रॉपर्टी बेरियम से मेल खा रही थी, लेकिन इसमें जरूर कोई नया एलिमेंट था जो कि इतनी ज्यादा रेडियोएक्टिविटी शो कर रहा था, जबकि उसकी प्रॉपर्टी बेरियम से मिल रही थी। और यह नया एलिमेंट रेडियोएक्टिविटी का काफी स्ट्रॉन्ग सोर्स था और उस समय उन्होंने बताया कि इसकी रेडियोएक्टिव पावर यूरेनियम से 900 गुना ज्यादा है। अब इस ओर के स्पेक्ट्रम को यूजिन डिमार्के के द्वारा देखा गया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बेरियम और लेड के स्पेक्ट्रम लाइन दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक और वेवलेंथ की लाइन दिख रही है जिसकी वैल्यू 3814.8 एंगस्ट्रॉम है। और डिमार्के के अनुसार यह स्पेक्ट्रम लाइन ना तो बेरियम की थी, ना तो लेड की, और ना ही कोई ऐसे एलिमेंट की जो कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद हो। यह स्पेक्ट्रम लाइन सबसे अलग थी। और इन सब रीजन के चलते क्यूरी इस बात को लेकर कन्फर्म हो चुकी थी कि जरूर यहाँ पर एक नया एलिमेंट है जिसका नाम उन्होंने रेडियम रखा। 1898 के एंड में उनके पास दो नए एलिमेंट के एविडेंस थे, पहला पोलोनियम और दूसरा रेडियम। लेकिन इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में शामिल करने के लिए इनकी प्रॉपर्टीज को काफी अच्छे से स्टडी और मेजर करना होगा, तब जाकर यह एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल का हिस्सा बन पाएंगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज जानने के लिए मैरी क्यूरी को ओर में से इन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना था, और इस नए एलिमेंट की एक्सट्रैक्शन के लिए वह कई महीनों तक जुटी रहीं। और फिर इसके बाद उनको ईयर 1889 में एंड्रे डेवर्नी ने ज्वाइन किया, जिन्होंने इस पिच ब्लेंड ओर में से एक नए एलिमेंट को आइसोलेट किया। और इस नए तीसरे रेडियोएक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टीज टाइटेनियम के सिमिलर थीं, और फिर इसका नाम एक्टेनियम रखा गया। लेकिन अभी भी रेडियम को आइसोलेट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, अभी भी रेडियम आइसोलेट नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 4 सालों तक वह एक्सपेरिमेंट करती रहीं, जिसमें उन्होंने लगभग 7 टन्स ओर का इस्तेमाल कर लिया। और फिर अगस्त 1902 में उन्होंने आखिरकार 1 डेसीग्राम रेडियम क्लोराइड का प्योर सैंपल कलेक्ट कर लिया, और इस सैंपल के द्वारा उन्होंने रेडियम का एटॉमिक वेट 225 बताया। अब इससे यह साफ हो चुका था कि यह एक नया एलिमेंट है। इसके बाद दिसंबर 1903 में मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी और हेनरी बेक्यूरियल को जॉइंट नोबल प्राइज मिला, और मैरी क्यूरी पहली वुमेन थी जिनको पहली बार नोबल प्राइज मिला। इसके बाद 1911 में उनको रेडियम को आइसोलेट करने के लिए फिर से एक नोबल प्राइज मिला, और आगे जाकर रेडियम कैंसर ट्रीटमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला था। और क्योंकि यह अंधेरे में ग्लो करता है, इसलिए इसके कई इंडस्ट्रियल यूज भी हैं। इसको घड़ी के कांटों को पेंट करने के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि इससे वह रात में ग्लो करते थे। इस काम के लिए ज्यादातर इंडस्ट्रीज में यंग गर्ल्स रेडियम को वॉच में पेंट करने के लिए पेंट ब्रश को बार बार अपने मुंह से सेट करती थीं, जिससे कुछ अमाउंट में रेडियम उनकी बॉडी में चला जाता था। और इस रीजन के चलते काफी वर्कर्स की डेथ हुई। पर फिर 1920 में इसके हेल्थ कंसर्न होने की वजह से इसका मार्केट डाउन हो गया, बट फिर भी इसकी डिस्कवरी और मैडम क्यूरी का कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। वह पहली लेडी थी जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज हासिल किया, पर जिन कंडीशन में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए वह इतने अच्छे भी नहीं थे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में उनको एक रूम दिया गया था जहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि ना तो वहाँ पर कोई चिमनी थी जिससे कि हार्मफुल गैसेस बाहर पास हो पाए, बस वह केवल दरवाज़ा खोल सकती थी। लेकिन इन सब के बाद भी उन्होंने जो किया वह काबिलियत तारीफ है, और आज उन्हीं की वजह से हम अपनी किताबों में रेडियोएक्टिविटी पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यह सब था आज की वीडियो में। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।